हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। ये रेसिपी है कच्चे आम का चाट मैंगो मसाला। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और हमने इसको किस तरह से बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी। ये हमने छोटे वाले कच्चे आम लिए हैं, इसको हमने अच्छे से धुल के रखा है। ड्राई रोस्ट मसाले हैं और काला नमक है। ये हमने नीचे एक प्लेट रखी है और छिलका छील के हम इसी में रखेंगे। साइड में एक तरफ हम कच्चे आम भी रखेंगे छील के। तो चलिए इसी तरह से हम सारे आम को पहले छील लेंगे, उसके बाद हम इसका कट करके गुठलियाँ निकालेंगे। छोटे वाले हैं इसलिए इनको छीलना और कट करना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो चलिए हम पहले सारे आम को अच्छे से छील लेते हैं। सारे आम को हमने अच्छे से छील लिया, तो हम इसे बीच से कट करेंगे और इस तरह से गुठलियाँ निकालेंगे इसकी। तो इसी तरह से हम सारे आम को कट करके इसकी गुठलियाँ निकाल लेते हैं और फटाफट से कट जाता है। हमने कट करके सारी गुठलियाँ निकाल लिया है और छिलके को हम एक साइड में रख देंगे और कट करेंगे इस तरह से। इसको हम कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। फाइनली हमने सारे आम को अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए हमने इसमें ड्राई रोस्ट मसाले मिक्स कर दिए हैं। सॉरी, हमने मिक्स करते हुए मसाला ऐड करते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया है। इसमें हमने ऐड किया है काला नमक और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग। तो फाइनली हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अभी से हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और ये एकदम खाने के लिए परफेक्ट मसाला आम रेडी है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से बनाएं और कच्चे आम का मज़ा लीजिए, मसाले वाले बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खा के। एक बार ज़रूर देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मसाले वाले आम बनाना जितना आसान है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।